अब अपने गुणनखंड करेंगे, एक्स की स्क्वायर प्लस 10x माइनस 96। 96 देखो वर्ग संख्या नहीं है, तो अपन वो हिसाब से करेंगे कि बार बार वालों को इंटू करो, 96 गुणा एक्स की स्क्वायर, तो 96x की स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये 96x स्क्वायर है, 96 के ऐसे टुकड़े करो, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, यहाँ देखो पहला प्लस है दूसरा क्या है माइनस है, तो टुकड़े तो इसके प्लस और माइनस होंगे, लेकिन यहाँ जो बच रहा है यहाँ, इसका मतलब बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा छोटा माइनस का होगा, बड़ा किसका होगा प्लस का होगा छोटा माइनस का होगा। अब अपने दो ही करने देखो, तो अपने इसमें क्या करते हैं 12 8 96 तो हो गए, लेकिन ये दोनों जुड़ेंगे तो ये आपस में घटेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, ये बड़ा प्लस का छोटा माइनस का, सॉरी भाई, तो 4 ही आते हैं, लेकिन अपना 10 आना चाहिए, तो ये संतुष्ट नहीं करता। आगे चलते हैं अपने 16 के पाड़े में, 16 6 96, तो ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, 96 तो आ गए, इसमें एक्स जोड़ दूंगा इसमें एक्स जोड़ दूंगा, तो एक्स स्क्वेयर हो गया। अब इनको आपस में घटाओ, घटाओगे तो 10x प्लस का आ रहा है, क्योंकि 16x किसका है 16x प्लस का है, 6x किसका है माइनस का है, घटेगा 10x किसका बचना चाहिए प्लस का, यहाँ भी प्लस का। अब इसको अपने यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, ठीक है ना, इसकी जगह अपने कितना रखेंगे, अभी मिटा दिया मैंने, 16x माइनस 6x और माइनस 96। अब ये एक समूह बनाओ और ये एक समूह बनाओ। अब इस समूह में देखो, यहाँ 16 है यहाँ 16 नहीं है, तो 16 तो कॉमन नहीं आएगा, यहाँ एक्स स्क्वेयर है यहाँ एक्स है, तो छोटी घात ये छोटी घात कॉमन आएगी, ये कॉमन आ गई, तो यहाँ एक्स स्क्वेयर था तो एक्स गुणा एक्स, एक्स को कॉमन निकाला भाग दे दो, ये कितना आ गया, कॉमन निकालने का मतलब भाग देना होता है, प्लस 16x में x का भाग देंगे, x से x गया 16, माइनस यहाँ x है यहाँ x नहीं है, x तो कॉमन आएगा नहीं, तो ये देखो 6 का भाग देके देखो, 6 का भाग जाता है ना 16 बार, 16 6 96, तो 6 को कॉमन निकाल दो, तो यहाँ कितना बच गया x, और ये 6 का भाग देंगे 96 में, 6 कम 6 बचे 3 हो गए 36, 6 जगह 36 16 आ गए। अब यहाँ देखो अपने यहाँ गलती करिए, देखो बाहर चिन्ह अगर माइनस का है तो ये अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, तो ये प्लस का हो गया अपने। अब दोनों कोष्टक देखो एक जैसे हैं, एक्स प्लस 16 और दूसरा बन गया एक्स, और इसको मैं अंदर मिला के लिख दो 6x माइनस 6, ये अपने दो गुणनखंड हो गए। ओके, धन्यवाद।